ऐसे नहीं आती है। वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने न्यू ब्लॉग के अंदर। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार की सारी खुशियों के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज के ब्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होगी, तो कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देख करके जाना। और दोस्तों शुरू में रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अपनी फैमिली जल्दी बड़ी करनी है ना, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट है तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपके कमेंट्स अच्छे होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं उन कमेंट्स को अपने वीडियो में प्लग किया करूंगा आपके नाम के साथ में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, आगे तक देखते जाना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भूल गया था, सब्सक्राइब कराइए, खुद भी करो, वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली को भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत मेहनत होती है दोस्तों। तो इससे अकॉर्डिंग मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और दिन की शुरुआत आज कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे, क्योंकि कल बहुत देर से सोना हुआ था, तो देर से नाश्ता वगैरह सब करके कम्प्लीट हो चुके हैं और चलते हैं वॉक करने के लिए। कैमरा मैन के साथ, ये हमारा कैमरा मैन है जो यहाँ पे खुश होकर के पड़ा हुआ है, और हमारा दूसरा कैमरा मैन वहाँ बैठ करके केले खा रहा है। मोगली चड्डी पहन के फूल खिला वाला मोगली है। तो इनका भी एक पार्सल आया हुआ है, ठीक है, हमने मिंत्रा से मंगाया था, तो मिलते हैं अनबॉक्सिंग के टाइम पे। सब मिटा देना सारा है। जो रॉन्ग होगा वो मिटाऊंगी। और आपने, मैम ने कहा है 2 times लिखना है, तो आपने तो 1 time ही लिखा है, 1 time इधर और लिखना। मैंने कहा था बाबू इधर वाला यूज कर लेना, फिर सारे पेड़ कट जाएंगे। अगर सारे आप अगर पेजेस पेस्ट करोगे ना तो अपने ट्री सारे कट जाएंगे। नहीं मिटा, इतने ज्यादा पेज वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों हंस रहे हैं आप? आमिर को मालूम रोने का कारण मैं नहीं हूँ, ये सोच रही पापा। अगर आप सोचो कि मैं हंस रहा हूँ तो रो रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, जहाँ पे बी यूज करना था वहाँ पे डी यूज किया है, और जहाँ पे डी यूज करना था वहाँ बी यूज किया है। अब इनको सारा होमवर्क दोबारा से करना पड़ेगा, तो अब इनको सोच रही है कि भाई क्या बहाना लगाया जाए। तो पापा यार हंसने से क्या फर्क पड़ रहा है, हंस रहा हूँ, मेरे पे भी हंस रहा हूँ, आप हंसो। मैं बेटा मैम को फोन करूंगी। मैं देखो सीधा है, बच्चों को छोटे मोटे सीन बनते रहते हैं। मैं आप हंसोगे ना तो आप पिटोगे, फिर मैं हंसकर आ रहा हूँ। डंडा लेके आओ, पापा की पिटाई लगाती हूँ। काम नहीं करेगी फिर वो। डंडा लेने तो खट से गई है, यहाँ डंडा लेके आती हूँ, पिटवाऊंगी पापा को। अभी पापा को मारती हूँ, बॉक्स से ही मार दिया, ठीक है उसे छोड़ो। अब मैं काम बताती हूँ, काम करो। इनका मिंत्रा का पार्सल आया तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है ये। अगर किसी को ये मंगानी है तो मेरे ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक से आप मंगा सकते हैं। और ज्यादा कॉस्टली, क्वालिटी के हिसाब से ये कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अच्छी है, स्ट्रेचेबल, कोई मोटे से मोटा भी पहन सकता है और पतले से पतला भी पहन सकता है। शुरू कर लिया बेटू, बहुत भूख लग रही, 2 बजने जा रहे हैं, खाना बनता नहीं ना, ये पेटू महाराज को भूख पहले लगने लग जाती है। तो बनाने को क्या मतलब है दोस्तों, लंच टाइम इज ए वेरी गुड टाइम। अंग्रेजी है, अंग्रेजी अभी सीखा है मैंने, थोड़ी देर पहले इंग्लिश क्लास लेकर के। ये मेरी थाली है जिसमें कल के सूखे फूके चावल है, दाल आज बनी है और रोटी है, काजू वाले चावल है। हाँ वही काजू वाले सूखे फूके चावल है, चोखा भी है साथ के अंदर, पानी आ गया मुंह में से, चोखा और दाल का। इनको तो मैं कैसे भी कोई ना कोई बहाना चाहिए ही चाहिए कि बस ये मेरे पे बैठ जाए और बैठ करके अपना जो भी मन में भरा हुआ है ना करके मेरे पे निकाल दे, तो इसके अंदर भिड़ी रहती है, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मोजा बंदे है, मोजा मतलब जुराब वाले मोजा नहीं, मौज मस्ती वाले मोजा बंदे है। देखो मैं खुश रहने का, मौज लेने का और मन जाने लायक जीने का, बस आदमी बोलता है बोलते रहने दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो।
आप भिड़ोगे फालतू में घर में लड़ाई कर लेसोगी, मस्त रहो, इधर से सुनो वो आपकी घरवाली बोले ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ओके करता हूँ मैं, करता हूँ, उनका काम कर दिया, भिड़ो मत, उनका काम कर दो बस, भिड़ो मत, उनका काम कर दो, काम करके अपने से फिर वापस से मजे से मजे करो। मार रही मेरे को, मार रही, रिकॉर्ड करूंगा, मारो, क्या बोल रही हो? चलते हैं दोस्तों, चाय बनाने आया हूँ मैं, चाय वगैरह सब रख दिए जो बन रही है अभी, उसको लो फ्लेम करूँ तो गिर जाएगी मेरे से। अपने आते थोड़ी चाय पीने की इच्छा कर रही थी तो सोचा बना लेते हैं, बना के पी लेते हैं, तो चाय रख दी है, बन रही है। और ये मौसम है भाई साहब, मौसम तो क्या है, कभी कभी जयपुर का माहौल समझ में नहीं आता है। ये देखो, दो तीन दिन पहले इतनी मस्त भयंकर मौसम अच्छा हुआ था, मतलब अच्छी बारिश वगैरह हो रही थी, तो इसके लिए नहीं दिख रही क्योंकि कोचिंग लग चुकी है और वो गई है अपनी कोचिंग अटेंड करने के लिए, थोड़ा तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, वो दो साल से तो बैठी नहीं है वैसे भी वो। ओह गिरेगा, तो चाय बन रही है इस द, और चाय पी करके मजे करेंगे हम इस द, बन जाती चाय, फिर मिलते हैं उनके साथ में टेबल पे, चाय पीने की जगह पे, मतलब टेबल तो क्या हमारे लिए हर जगह टेबल ही टेबल है, तो वहीं मिलेंगे। रिजेक्ट कर दूंगी लड़की को मैं, ऐसे नहीं आती है मुंह ढक के, नहीं हमारे तो ऐसे ही मुंह ढक के आते हैं, इतने गांव के, इतने ठेठ गांव के, लड़की नहीं अच्छी है, मैं यहाँ से नहीं पियेंगे चाय, हम जा रहे अपना लड़का वड़का ले, तो घूंघट उठाया उसके पैसे दो, देखा कैसे पहले पैसे लो, ऐसे देखा, नहीं ऐसे पैसे ला, उठाया के देखा, ला पैसे दो, तो दोस्तों कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार ये फ्लैट में रहते हैं, दिमाग में आता होगा चीज जो मतलब वीडियो देखते होंगे, आता होगा दिमाग, फ्लैट में रहते हैं कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं भी बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, कहीं भी बैठ के कुछ भी, देखो सीधा है फ्लैट पे रहते हैं पर डाउन टू अर्थ है, जब मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अरबपति करोड़पति फैमिली से हैं, बिल्कुल पापा ने मेहनत करके बनाया, मेहनत करके कमाते हैं, हम सब यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यार वही चीज़ करते हैं जो मिडिल क्लास करता है, हम भी मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के हिसाब से रहते हैं, मन में वहाँ पर खा लिया, मन में वहाँ बैठ के पी लिया, ठीक है। अब कई लोग इसको अलग वे में ले लेते हैं, वो भाई साहब अभी तो या तो जानवर से भी खाते होंगे, क्या भाई देखो सीधा खाओ पियो मौज उठाओ, जिंदगी में खुश रहो, आप खुश रहोगे ना वही सबसे बड़ी दौलत है, रुपया रुपया ये सब नहीं है, हाँ पार्ट ऑफ लाइफ है, जरूरत है, ये मिलना चाहिए ये, पर मैं मानता हूँ कि खुश अगर आपकी फैमिली खुश है ना आपके साथ में तो वही सबसे बड़ी दौलत है। चलो यार मैं नाश्ता चाय पी रही हूँ, मुझे पता है दौलत के चक्कर में चाय मिस हो जाएगी, मिलता हूँ। हेलो, हमने बनाई आग देख, और हमने बनाई है बर्फ बरा। दोस्तों जा रहे हैं, जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं ठहरने के लिए, मतलब जा रहे हैं, ये टहलेंगी और मैं बैठ के अपना सिर खुजलाऊंगा, तो जा रहे हैं बस, अब जा रहे हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू, ऐसा मैं सोचो यार टहलने जा रहा हूँ, सिर्फ टहलने के लिए, ये टहलेंगे बैठ करके, मैं थोड़ा सा कुछ काम वो करूँगा फिर आऊँगा, फिर पंचायती करेंगे, पंचायती तो अपनी चलती है, फ्री है, वेले है, तो पंचायती करेंगे बैठ करके, तो कर लेंगे पंचायती। पापा को भैया नहीं बोल सकती ना, क्योंकि पापा मेरे हस्बैंड हैं, समझी? तो पापा को क्या कहूंगी मम्मा? पापा को संज्ञा कहेंगे हम, भैया नहीं, संज्ञा। आप क्या बोलोगे? जीजू, जीजू तो मासी के हैं पापा।
क्वेश्चन करते हैं। हाँ? आप क्या बोलोगे फिर? अच्छा आप पापा को क्या बोलोगी? देखो सब अलग अलग होते हैं, सबके रिलेशन अलग है। यहाँ तक आ चुके हैं आप, बहुत अच्छी बात है यार दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग को देख लिया है तो मुझे कंफर्म है कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करना और दोस्तों अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर ब्लॉग को शेयर करना। कमेंट करके जरूर बताना कि ब्लॉग का ऐसा कौन सा पार्ट जो आपको बहुत अच्छा लगा है। और आपके टाइम हो चुके हैं दोस्तों 1:31 का, तो ये लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ, इसको अब उसमें ब्लॉग में पूरे को ऐड करूंगा, फिर डेटा ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद में सोने के लिए जाऊंगा मैं दोस्तों। तो एक बिग थम्स अप इसके लिए जरूर बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि।